राम राम भाइयों, आप सभी भारतवासियों को आज बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज कितना अच्छा सुहाना मौसम है, और देखिए सुहाना इन बसंत लहर, देखिए फूल देखिए क्या शानदार हैं। देखिए गुलाब के फूल, वो भी जैविक खाद से मतलब जैविक खाद डाला हुआ है। देखिए अभी फूल देखिए, फूलों की साइज देखिए क्या बड़ी कलियाँ, देखिए बहुत शानदार है। और साथ में गेहूं में भी उपयोग किए थे घर पे ही, देख सकते हैं बाल भी क्या बड़ी निकली है। देखिए साथ देखिए बाल की साइज बहुत बेहतरीन है, और आप देख सकते हैं और भी गुलाब वगैरह हैं और बहुत बेहतरीन है। देखिए इधर देखिए ये वाला, इधर आ जाओ, देखिए एक गुलाब, देखिए गुलाब का फूल देखिए आप क्या मस्त, देखिए साइज देखिए क्या बड़ा है, जैविक खाद डला हुआ है। देखिए फूल की साइज देखिए, आपने शायद इतना बड़ा गुलाब का फूल नहीं देखा होगा। आप देख सकते हैं लाइव है हमारे इधर ग्राम पोस्ट बड़ौदा समाज में। और देखिए बाल गेहूं का देखिए तो चल रहा है, और गेहूं देखिए गेहूं क्या शानदार है। और आपको जैविक खाद दिखा देते हैं, देखिए बाल देखिए, बाल की साइज देखिए आप, देखिए कितनी लंबी बाल है। वो अपने घर पर ही डाला था, इसमें जैविक खाद डाला था, अभी निकल रही हैं बालें भी निकल रही हैं। और जैविक खाद है जीसी पावर, देखिए इसकी 10 किलो की पैक है, बहुत शानदार है, कभी भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी बेहतर है कि आप पानी के पहले ही डाल दें, और गेहूं में किसी फसल में डाल सकते हैं, अभी तो कवर करता है, बाद में भी कवर कर जाता है अगली फसल में भी। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, बहुत शानदार। और आज तो बसंत पंचमी का सुहाना मौसम है, तो आप यदि चाहते हैं कि आज का दिन अच्छे से जाए सेलिब्रेट, तो क्या सुबह सुबह बढ़िया टूथपेस्ट कीजिएगा, बेहतरीन है। 5 जिससे दांत पकड़ दर्द नहीं करते, साफ भी दांत रहते हैं जैसे कि, और इसमें कोई केमिकल भी नहीं है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। और साथ में आप देखिए आज तो सुहाना मौसम है, तो पूड़ी बनती है, तो पूड़ी तेल के लिए बढ़िया तेल है राइस ब्रैन वाले, इससे पूड़ी बहुत स्वादिष्ट रहती है और पूड़ी मुलायम रहेगी। क्योंकि हमने पिछली बार भी यूज़ कराए थे, तो कुछ लोगों को यूज़ कराया, तो उन्होंने इसको यूज़ किया, तो मैंने एक मतलब पंगत हुई थी, हमारे भाषा में बोलते हैं पंगत में तेल खिलाया गया, तो किसी व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि पंगत में कि जो मुलायम पूड़ी दे दो, क्योंकि सभी मुलायम थी और सुबह तक भी पूड़ी मुलायम रही। ये शानदार है, स्वादिष्ट भी रहा है इसमें, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा है। और आप चाहें तो स्मेल भी, इसकी खपत भी आधी होती है कुछ नहीं, तो यदि आप 2 लीटर मीठा यूज़ कर लेंगे सोयाबीन का तेल, या आप 1 लीटर यूज़ करेंगे तो बराबर खपत होगी आपकी, और बहुत बेहतरीन रहेगा। और बाकी आज तो बसंत पंचमी बहुत बेहतरीन दिन है अपने भारतवासियों के लिए, क्योंकि बसंत पंचमी बहुत अच्छा दिन माना गया, माँ सरस्वती जी का सभी पर कृपा बनी रहे। सो धन्यवाद। और आप यदि हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो नंबर लिख लीजिएगा 8821081966, ग्राम पोस्ट बड़ौदा स्वामी, डिस्ट्रिक्ट ललितपुर, धनबाद।